और समय की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बमीठा, जो कि राजनगर क्षेत्र में आता है और यहां से विक्रम सिंह नातिराजा विधायक हैं। कहा जाता है कि स्थानीय लोग उनके चेहरे को देख करके वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से दूसरी बार विधायक हैं और उनकी उनके प्रभाव का एक क्षेत्र माना जाता है। आप बताइए दादाजी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तलैया है। तलैया के हैं आप यहाँ आते हो तो सुविधाएँ मिल जाती हैं, अस्पताल वगैरह सब? नहीं। आप बताओ बेटा, आप क्या, आप स्टूडेंट हो? हाँ, आए तो हम बताएं, हमारे मुआवजे की बात है, सबको खूब अच्छे से मुआवजे दिया गया। हमारा बहुत एक एकड़ ज़मीन जा रही है और वो भी थोड़ी सा मुआवजा दिया। हमें पापा मतलब फार्म दे दे कि परेशान है, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। किस चीज़ का मुआवजा? वो रोड में फोर लेन 75 में गई है हमारे पापा की। हाँ, उसका मुआवजा सही ढंग से नहीं दिया गया, सबको अच्छे से दिया गया। हमारा तो लाखों में है बस। तो आपको क्यों नहीं दिया गया, क्या लग रहा है? बस गरीब, हमारे पापा गरीब हैं, गरीब को देख के नहीं दिया गया क्योंकि गरीब ही कुछ बोले नहीं। तो आपने विधायक जी से बात की? हमारे पापा ने की है और वो भी कुछ वो कह रहे थे करेंगे, बस वो करते कुछ नहीं है। अच्छा आरती, ये बताओ कि यहाँ पर आईटीआई तो कर रहे हो लेकिन नौकरी मिल जाएगी, आपको उम्मीद है? हाँ, तैयारी करेंगे तो मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग स्थानीय लोग, युवा, आप बताइए रोजगार के लिए कोई साधन है यहाँ? सर कोई साधन नहीं है रोजगार के, कोई साधन नहीं। तो यहाँ पर तो बहुत दिनों से आप लोग लगातार मांग करते रहेंगे, पर्यटन क्षेत्र को छोड़ के कोई भी कुछ भी इंडस्ट्री वगैरह? कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो खेती किसानी उसको मदद कर रही है सरकार? बिल्कुल नहीं मदद कर रही सर। पेट्रोल डीजल के और दाम बढ़ रहे हैं, नोट बंद, कोई लाभ सर। यहाँ हजारों बेरोजगार लोग फिर रहे हैं, युवा वर्ग, मैं खुद भी ये करें बैठा हूँ सर, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। आप बताइए, और स्थानीय ग्रामीणों क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी? हम सर बिजार विधानसभा से हैं। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में क्या क्या कुछ परेशानियां बताइए? परेशानी सर कुछ वृद्धा पेंशन वाले फिर रहे हैं और कुछ जो है स्कूल में समाधान योजना है, सीएम कहते हैं एक दिन में हम समाधान कर देते हैं, नहीं होता सर। एक साल से चल रही है समाधान पे, एक साल से शिकायत चल रही है, समाधान नहीं होता। अच्छा, योजना इतनी सारी है बीजेपी सरकार में, आपको किसी का फायदा मिला? देखिए सर, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही यहाँ पे जो है बच्चियों को, दो साल से फिर रही उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, हाई सेकेंडरी स्कूल घूरा दिन पड़ता जा रहा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर घूरा के, घूरा के रहने वाले हैं। गांव में कोई समस्या है वहाँ? समस्या है सर। कौन सी समस्या बड़ी है बताइए? सर नाली की, पानी की, खेती बाड़ी की, समय पर मुआवजा नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता। पानी कहाँ, जब कुओं में पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होती। तीन साल से, तीन पंचवर्षीय से लगातार सूखा घोषित चल रहा है क्षेत्र, तो उसके लिए मुआवजा वगैरह प्रॉपर मिलता है? तो किसकी, जिसकी ज़्यादा ज़मीन उसको ज़्यादा मुआवजा, जिसकी कम ज़मीन है उसका कोई मुआवजा नहीं आता है, नहीं आता। आप लोग बताइए, कोई परेशानी है स्थानीय तौर पर? परेशानी तो सर बहुत सारी है, गरीबी रेखा के परमट आज तक नहीं हो रहे, 15 साल हो गए सर। योजना आज तक कोई भी लाभ नहीं मिला है सर। शौचालय भी मैंने सेक्रेटरी शर्मा जी कहने पर बनवा लिया, परंतु उसका मुझे पेमेंट नहीं आज तक मिला। श्रीमान, आपने अपने खर्चे से बनवाया? जी श्रीमान, सेक्रेटरी सरपंच जी कहने से सर मैंने शौचालय बनवाया, गरीब आदमी, अति गरीब मान लो मेरा परमिट। सर ये जो अभी विधायक जी वर्तमान में उनके द्वारा ये बमीठा नगर है, पर्यटन खजुराहो का प्रवेश द्वार कहलाता है, लेकिन बमीठा में आज तक कोई विधायक नहीं थे, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ का जो स्वच्छ शौचालय है वो कितना गंदगी उसमें पड़ी हुई है, जबकि मोदी जी का स्वच्छ अभियान चल रहा है, विधायक जी के द्वारा कोई कार्य नहीं किएगा यहाँ क्षेत्र में। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं 11वीं का स्टूडेंट हूँ, मोनू मिश्रा। यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है, जो डीजल पेट्रोल है वो भी बढ़ता जा रहा है, कोई मोदी जी के कोई लाभ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें हैं, पानी की समस्या पहले से कम हुई है, ज्यादा है? पहले से ज्यादा है। पहले से ज्यादा है। और खेती में कोई लाभ नहीं मिल रहा। बिजली पहले से सुधरी है? बिजली सुधरी है सर, लेकिन बिल बहुत हाई आ रहा है। 200 रुपए में मिल रहा? आप तो नहीं मिल रहा, जिसके हुए अभी हुए हैं उसको लाभ मिल रहा है। बिजली विभाग वाले 500 रुपए ले रहे हैं कि 200 रुपए बिल आएगा आपका? अच्छा, ये एक नई चीज पता चली है कि अगर आपको 200 रुपए बिजली का बिल करवाना है तो पहले 500 रुपए विभाग के लोगों को दीजिए। यहाँ पर बमीठा में एक चीज हमें समझ में, 500 रुपए एक चीज हमें बमीठा में समझ में जो आ रही है वो ये कि सड़कें पहले से बनी है, ज्यादा बनी है, इसको लेकर लोग स्वीकार कर रहे हैं। बिजली पहले से थोड़ी ठीक हुई है लेकिन भ्रष्टाचार की बात है, पानी में अभी बहुत कुछ होना यहाँ पर बाकी है, लेकिन रोजगार है और जो योजना है उनके क्रियान्वयन को लेकर बहुत नाराजगी बमीठा के लोगों में है। यानी कि योजनाएं हैं, जो अच्छा है जनता उसको अच्छा कह रही है, जो बुरा है जनता उसको बुरा कह रही है, और ये जनता है। अब जनतंत्र के में जनता का समय जो है वो चुनाव के आसपास आता है, तो इस बार आप लोग मन बना चुके हैं किसको क्या वोट करना है, या आपको लगता है मजबूरी है दोनों ही एक से डालें? बदलाव चाहते हैं सरकार का।
जी सरकार का बदलाव बदलाव चाहते हैं, सरकार से तंग आ चुके हैं यहाँ के लोग। एसटीएससी ने बिल लगा दिया है, एसटीएससी से भी सर हम लोग सपाट को सपोर्टिंग करेंगे। बैंक को माफ करा जा चाहते, वो कुआ की लाइट चाहते माफ। कुआ के लिए आपने क्या लोन लिया है? हाँ कोई नो लो लोन नहीं, माफ नहीं भाई बाप माफ ना, बैंक को माफ गरीब आदमी का करे बताओ। कर्ज माफ करेंगे, कोई बिल माफ नहीं हुआ है। जैसे मकान लाइट का तो माफ कर दिया हमने सर। बड़े युवा को बहुत उम्मीद थी एनटीपीसी से, यहाँ कई लोगों ने उस बारे में बहुत से डिप्लोमा करके बच्चे बैठे हुए हैं। एनटीपीसी ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारी विधानसभा का और छतरपुर जिले का, कम से कम लाखों छात्र यहाँ के नए लग जाते, उठा के एनटीपीसी इंदौर कर दिया। एनटीपीसी इस क्षेत्र में आना था, बुंदेलखंड विकास में पिछड़ा हुआ है, एनटीपीसी आते आते रह गया, यानी इन लोगों के मुंह से निवाला छीन करके इंदौर जो कि इतना डेवलप्ड है वहाँ पर बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं वहाँ पर चला जाता है। अब जब असंतुलित विकास होगा तो लोगों में आक्रोश होगा, और आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में कुछ नहीं है, अगर वहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, ऑन पेपर वो आ चुका था, तो क्यों चला गया और क्या इसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है या यहाँ के क्षेत्र की राजनीति, चूँकि ये इलाका कुछ खास राजनेताओं से बिलोंग करता है इसलिए उसकी सज़ा क्या जनता को दे दी जाए, ये बड़ा सवाल है। जनता नाराज़ है, अब देखना यह है कि चुनावों में पार्टियां इनकी नाराज़गी कैसे दूर करती है। इस वक्त बमीठा से मैं समय के लिए अभिलाष मिश्रा।